दोस्तों, अगर आपका भी पॉलिटेक्निक कंप्लीट हो गया है तो आज इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि CTI कोर्स क्या होता है। आप लोगों ने अक्सर लोगों के मुंह से ये सुना होगा कि CTI कोर्स कर रहा है, लेकिन आपको अभी तक ये नहीं पता है कि CTI कोर्स क्या होता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है और ये कितने साल का होता है और कौन कौन से कैंडिडेट इसको कर सकते हैं। और उसके बाद से हम आपको ये भी बताएंगे कि पॉलिटेक्निक करने के बाद आप टीचर कैसे बन सकते हैं, ITI करके आप टीचर कैसे बन सकते हैं। पूरी जानकारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी स्टूडेंट्स के कानों तक इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने वाले हैं, तो वीडियो को आप कंप्लीट ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं जी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि CTI आखिरकार होता क्या है। तो भाई देखिए, CTI जो होता है उसका पूरा नाम होता है सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर इंस्ट्रक्टर, यानी कि इसमें एक तरह का टीचर प्रशिक्षण दिया जाता है, जो कि इसको पूरा करने के बाद कोई भी इंसान एक टीचर के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेता है। लेकिन हम आपको बता दें, ये निर्भर करता है कि आप किस फील्ड से CTI किए हुए, यानी कि किस ट्रेड या फिर किस ब्रांच से CTI किए हुए हैं। यानी कि CTI का जो पूरा नाम होता है आपका सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर इंस्ट्रक्टर होता है। अब हमको आपको बता दें कि CTI कोर्स कौन कौन से कैंडिडेट कर सकते हैं, यानी कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। तो भाई देखिए, CTI ITI पास स्टूडेंट्स इसको कर सकते हैं, या फिर पॉलिटेक्निक, यानी कि ITI अगर आप पास कर लिए हुए हैं या फिर पॉलिटेक्निक कर लिए हैं तो आप बहुत ही आसानी से CTI का जो कोर्स है वो कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ नियम होते हैं, नियम कुछ ट्रेड से जुड़े होते हैं और उनमें यह देखा जाता है कि आपने कौन सी ट्रेड से ITI या फिर डिप्लोमा किया। जैसे कि आप इलेक्ट्रीशियन से किए हैं, वायरमैन से किए हैं, या फिर जो डिप्लोमा है वो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किए हैं, सिविल इंजीनियरिंग से, यानी कि किस ब्रांच से किए हैं, ये सबसे पहले आपको देखा जाता है। और हम आपको बता दें कि जो CTI कोर्स है वो कितने साल या फिर कितने महीने का होता है। तो भाई देखिए, CTI के प्रोग्राम के बारे में, यह कितने साल का होता है और कितने प्रकार से किया जाता है। जो CTI कोर्स आपका होता है वो 1 ईयर का होता है, यानी कि टोटली मिलाकर हम लोग बात करें तो जो CTI है वो 1 साल का होता है और उसके बाद से 3-3 महीने के 4 भागों में बांटा जाता है। जैसे कि आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो उसमें सेमेस्टर वाइज होता है और इसमें आपका जो है 1 साल में 3-3 महीने का 4 पार्ट में इसको बांटा गया है, जो कि शुरू के 3 महीने होते हैं। इसके अंदर आपको कंपेरिजन बेसिक कंपार्टमेंट ऑफ ट्रेड प्रैक्टिस एंड थ्योरी आदि के बारे में बताया जाता है। ट्रेड टेक्नोलॉजी दूसरे भाग में आपको वही 3 महीने का होता है और इसमें आपकी कंपेरिजन एडवांस कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेड प्रैक्टिस एंड थ्योरी के बारे में बताया जाता है। यानी कि इस तरीके से जो है वो आपका CTI कोर्स है वो 1 साल का होता है और 3-3 महीने का 4 पार्ट में बांटा जाता है। हम लोग बात कर रहे थे कि CTI का जो फॉर्म है वो कब भरा जाता है। तो भाई देखिए, CTI का जो फॉर्म है वो आपका मार्च, अप्रैल या फिर मई के महीने में भरा जाता है और जो इसका एग्जामिनेशन है वो जून या फिर सितंबर के आसपास होता है। कभी कभी ज़्यादा लेट होता है तो दिसंबर में भी इसका जो एग्जामिनेशन है वो हो जाता है। अब हम लोग बात कर देते हैं कि CTI सेशन कब शुरू होता है। तो भाई देखिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है इसके सेशन कब शुरू होते हैं। हम आपको बता दें कि जो इसका सेशन है वो आपका 1 अगस्त को शुरू किया जाता है, यानी कि 1 अगस्त से जो इसका सेशन है वो शुरू किया जाता है। अब हम आपको बता दें कि CTI कोर्स कब कब कर सकते हैं। तो भाई देखिए, जैसा कि हम आपको पहले ही बताएं, CTI जो कैंडिडेट है वो ITI या फिर डिप्लोमा पास अगर हैं तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी एज लिमिट क्या होती है। तो भाई देखिए, CTI जो कैंडिडेट हैं उनकी एज लिमिट करने के लिए आपका जो एज है वो 18 से 40 वर्ष के बीच में है, तो आप बहुत ही आसानी से जो CTI कोर्स है वो आप कर सकते हैं। अब बात सबसे बड़ी ये निकल कर आती है कि CTI के बाद आप कहाँ पे जॉब कर सकते हैं। तो भाई देखिए, हम आपको बता दें, जो CTI की सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रक्चर है, इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट ITI में जो टीचर है उसके पद पे आप कार्य कर सकते हैं। यदि गवर्नमेंट ITI में अध्यापक पद के लिए जॉब निकलती है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं और यदि आपको जॉब मिल जाती है तो आप सैलरी नॉर्मल 30,000 से ऊपर आपकी जो सैलरी है वो मिल जाती है, 30-35,000 आराम से बहुत ही आसानी से आप जो है वो पा सकते हैं CTI करने के बाद। तो CTI का जो कोर्स है वो आप चाहें तो बहुत ही आसानी से मेरे फ्रेंड्स कर सकते हैं और इसके लिए आपको कुछ करना नहीं, आप सिंपली जो है वो अपना फॉर्म फिलअप कीजिए और फॉर्म फिलअप करने के बाद से जो इसका एग्जामिनेशन होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम एक तरीके से हम कहें तो एंट्रेंस एग्ज़ाम आप इसको देकर और जो है वो बहुत ही आसानी से CTI कोर्स कर लीजिएगा। और उसके बाद से जो ITI के टीचर होते हैं
यानी कि जो ITI में टीचर के लिए वैकेंसी निकलती है उसमें आप बहुत ही आसानी से पढ़ा सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।